कि जब जी में आया कि कुत्ते बिल्ली की तरह काट के फेंक दो उनको, प्रेग्नेंट भी कर दिया। अच्छे से आवाज आ रही कि गड्ढा थोड़ा और गहरा खोद दो। लड़कों ने ना मिलके चेस्ट के नीचे की हड्डियां तोड़ रखी है मार मार के। देश भर में आपने लव जिहाद के ऐसे बहुत से मामले देखे होंगे जहां पर लोगों का कहना है कि यहां पर हिंदू लड़कियों को फंसा कर, हिंदू लड़कियों को अपनी बातों में रिझा कर उनसे शादी कर लिया जाता है, अपना धर्म दूसरा बताकर लड़कियों को फंसाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली के नागलोई इलाके में। अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। बता दें आप सभी को कि एक 20-21 साल की लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पर। अगर आप उनकी कहानी सुन लेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े उठेंगे। बता दें आप सभी को, यहाँ पर एक लड़की को झूठा कौम बताकर, अपना नाम सलीम से संजू बताकर प्यार में फंसाया जाता है। 1-1.5 साल रिलेशन में रहने के बाद जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है 7 महीने की, और जब बात आती है पे शादी के दबाव को लेकर, तो लड़की को अपने साथ ले जाकर मारकर दफना दिया जाता है, और वो भी उस दिन करवा चौथ वाले दिन, ये बोलकर कि तुम मेरे लिए करवा चौथ का फास्ट रखो। ये सारी कहानी यहाँ से निकल के सामने आई है। और जिस तरीके से लड़की को बेरहमी से मारकर दफनाया गया है, और लड़की जो थी वो प्रेग्नेंट थी, 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, लड़का जो था उसने अपना नाम सलीम की जगह संजू बताया था। फिलहाल अभी घर वालों की हालत काफ़ी ख़राब है। आइए उनके भाई से जुड़ते हैं, उनकी माता जी से जुड़ते हैं, पता करते हैं कि आखिर पूरी जो घटना घटी है यहाँ इस लड़की के साथ कब से शुरू हुआ था, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था, आइए जानते हैं। बहुत सुंदर, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वो सिर्फ ये गई थी कि भाई मेरा घर बस जाएगा, मैं अपना नई जिंदगी वो कर रही थी। जब प्यार करते उसे पता थोड़ी ना होता है कि सामने वाला क्या है, क्या है वो चीज भी है। फिर उसने ये थोड़ी करना था कि घर से लेके गया और फिर उसको मार दिया ले जाके, फिर बात भी नहीं करवा रहा उसके माँ बापों से, प्रेग्नेंट भी कर दिया और फिर उनके घर वालों से बोला तो उनने मना भी कर दिया कि हम नहीं करवाना चाहते, हम रख लेंगे इसको। फिर बेदखल भी बता रहे हैं, फिर घर से भाग भी रहे हैं। तो उनके घर वाले भी मिले हुए थे। अब ये तो हमने देखा नहीं है, हमने तो कभी देखा भी नहीं उसको, लड़के को भी नहीं देखा, उसके घर वालों को भी नहीं देखा। लड़के भी घर से बाहर भी नहीं आती थी, घर से बाहर जाती ही नहीं थी वो, बड़ी वाली भी नहीं गई कभी, ये भी नहीं गया, लड़का कभी रहता ही नहीं था, इसका भाई तो कभी रहता ही नहीं था। वो तो कभी 15 दिन में आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए जिस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को छुपा के, अपना धर्म छुपा के, मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू करके किसी लड़की की जिंदगी खा जाना, क्या बोलेंगे? लव जिहाद वैसे भी इतना चल रहा, देखते होंगे आप, ये तो गलत ही है और क्या है। हम यही तो कह रहे हैं भाई, हिंदू की लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा तो मुसलमान ही रहेंगे क्या, उन्हीं की चलेगी क्या अब सारी, कि जब जी में आया क्या कुत्ते बिल्ली की तरह काट के फेंक दो उनको। लाल, मैं अभी इनके भाई के साथ मौजूद हूँ और जानते हैं क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मनीष नाम है जी मेरा। सर, आपकी बहन के साथ जो कुछ हुआ, मतलब फिलहाल ये कोई सोच भी रहे, इस चीज़ को सुन भी रहे तो उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। क्या नाम था सर आपकी बहन? सोनी कुमारी। क्या कुछ हुआ सर, स्टार्टिंग से बताइए। भाई था जी, 20 तारीख की रात की बात है, वो अकेले लड़के घर चली गई थी, गुस्से में गई थी कि लड़का कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी वो, तो घर पे गई तो उसके घर वालों ने उसको बोला, मतलब गली में हल्ला कर रही होगी वो, संजू कहाँ है तू, आ बाहर आ, तो घर वालों ने अंदर कर लिया उसको। तो लड़का कह रहा कि एहसान दिखा रहेगा यहाँ पे आके, तो एहसान दिखा रही है, तो उसने लड़के ने बोला ये बात, तो मम्मी ने पूछा भी गुस्से में बोल रहा था, बोला हाँ बोल तो गुस्से में रहा था, पर ये भी बोला सुबह 4 बजे ले जाऊँगा, कमरा ले रखा, दिक्कत मतलब कल सुबह 4 बजे तेरे को मैं ले ही जाऊँगा, तो शादी करके यहाँ से ले जाऊँ सामान वामान रख के, अगले दिन शादी का प्लान करके फिर घर पे आ जाऊँ तू, फिर शादी कर लेंगे आराम से। फिर ये हो गया, सुबह चले गए, उसके बाद फिर फ़ोन करना स्टार्ट करा हमने कि लड़की कैसे बात कर लेगा, बेटा कहाँ है, नहीं है, कुछ खाया नहीं खाया, सुबह 4 बजे की निकली हुई है, बोला पीछे कमरा आसपास में ले रखा है, तो फ़ोन करा, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है इनका, और जब लड़के को करा उसका स्विच ऑफ, ऑन स्विच ऑफ, उसके बाद लड़का फ़ोन उठा कह रहा है कि तुम लड़की तुम्हारे से बात नहीं करना चाहती, तो हमने बोला लड़की क्यों नहीं बात करना चाहती, हमने भगाया थोड़ी है लड़की को, बोला नहीं वो बात ही नहीं करना चाहती, दिल टूट गया उसका तुम्हारे से। मैंने अच्छा, मम्मी बोली अच्छा कोई बात नहीं, बात करवा दे, एक बार बोल दे, एक बार बात करवा दे, फिर हम फ़ोन नहीं करेंगे। ऐसे करते करते बोला किसी एक घंटे में काम पे हूँ, आधे घंटे में करते करते रात के 11 बज गए, वीडियो कॉलिंग करता है लड़का और कहता है कि मैं जंगल में हूँ, मैं अभी घर पे नहीं गया हूँ, मैं जाने लग रहा हूँ, तो बात करा दूँगा, तो पीछे से आवाज़ आ रही कि गड्ढा थोड़ा और गहरा खोद दो। उसके बाद फिर हमें पूरा शक हो गया कि इस लड़के ने लड़की को
मार के दफना दिया है। तो हम अगले दिन हमने अपनी मम्मी को भेजा मैंने थाने में कि जाओ कंप्लेंट करो। आपकी हालात कैसी थी, मतलब जब आपको ये चीज़ पता लगा आपने कोशिश करा ढूंढने की? कहाँ ढूंढता जी, बहुत बड़ा शहर है और सुबह 4 बजे की निकली हुई है, एक दिन पूरा हो चुका है, 4 बजे से लेकर 35 घंटे बाद लड़के का तो पता चला था कि वो वहाँ पे पकड़ा गया है। तो कंप्लेंट लिखवाने गए, मम्मी तो मम्मी को भगा दिया था कि अरे होता रहता है, लड़के लड़के की बात है, आ जाएंगे, वो कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे कंप्लेंट तो लिखा जाता है हर चीज़ का। थाने में गए थे सर? नागलोई थाने में गए थे। नागलोई थाने में किन के पास गए थे, उनका नाम याद है इंस्पेक्टर का या फिर जो थाना इंचार्ज थे कौन थे? वो थे DO ऑफिस में अजय जी SI, उनके पास गए थे। तो उन्होंने कंप्लेन लिखने की जगह ये बोला है कि लड़का लड़के भागे आ जाएंगे, इसमें कंप्लेन लिखने की क्या बात है? तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, मैं जाऊँगा, मैं कंप्लेन लिखवाऊँगा अभी जाके और लिखेंगे कंप्लेन। तो अगर लड़की घर से गायब है, माँ परेशान है कि लड़के के साथ कहाँ गई, तो उन्होंने कंप्लेन नहीं लिखा? नहीं लिखा। तो फिर मैं गया, फिर कंप्लेन लिखवाई, वो भी कंप्लेन उन्होंने वो भी नहीं लिखा, उन्होंने DD एंट्री करी थी। अच्छा, हाँ कि ये है फलानी जगह रहता है लड़का, लड़के की कंप्लेंट ये है। तो मैंने बोला सर FIR कटवानी है मेरे को। बोला कोई नहीं, आज अगर लड़की नहीं आती तो कल हम आपका FIR काट देंगे। तो अगले दिन हमने बात करी कि सर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उतने में ना पश्चिम विहार के थाने से पुलिस वाले का फ़ोन आया कि बिना नंबर प्लेट की बाइक थी, लड़का पकड़ा गया और तुम्हारे पापा का आधार कार्ड मिला है इसके अंदर, जिसका नाम संजू बताया जा रहा है, तो आप इसको जानते हो? मैं हाँ जी जानता तो हूँ, बट ये तीन दिन से लड़की के लेके लापता हो रखा और लड़की से बात नहीं करवा रहा। लड़का अकेले था किसी के साथ? लड़का वहाँ पे जब पकड़ा गया था किसी के साथ था। किसके साथ था? जिसकी बाइक थी। तो उसके बाद फिर उस लड़के को हम गए वहाँ पे, तो हमें थाने वाले ने देने से मना कर दिया, बोला कि थाने वाले आएंगे तभी देंगे। तो 2-2.5 किलोमीटर में थाना है, तो नागलो थाने से पश्चिम बिहार के थाने में आने में पुलिस को 5 से 6 घंटे लगे। हम वहाँ पे खड़े ही थे, 6 घंटे लग गए इनको यहाँ से, कहाँ से? नागलोई से पश्चिम बिहार, मतलब पश्चिम बिहार से नागलोई आने में 6 घंटे लग गए। नागलोई से पश्चिम बिहार जाने में 6 घंटे लगे, नागलोई से पश्चिम बिहार में 6 घंटे लगे। तो मैंने वही बोला कि सर देख लो, तो एक अरविंद भाई हमारे बिल्कुल यहाँ पे बीट लगती है उनकी, वो मेरे ऑफिस पे भी आते जाते रहते हैं, बातचीत बढ़िया है उनकी। तो उन्होंने बोला मनीष कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी DCP ऑफिस में कोई काम से आ रखा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आते ही तेरा काम करता हूँ, किसी को फ़ोन मत कर तू, कोई नहीं सुनेंगे, सब स्टाफ वाले बिजी चल रहे हैं। मैं ठीक है जी। तो वो आए, वो जैसे ही आए थाने में रुके और रुकते ही सीधा मेरे साथ निकल गए, लड़के को फिर यहाँ पे लेके आए, फिर थोड़ी सी मार पिटाई करी, तो बताया कि ऐसी ऐसी बात है, पहले तो बताया कि हम रोहतक में लड़की ठीक है, खाना पीना टाइम से मिल रहा है उसको। हमने बोला ही हमें हमारी बात करा दे, एक काम कर, पश्चिम बिहार ईस्ट थाना है वेस्ट है, दो है, पश्चिम बिहार ईस्ट था, ईस्ट था पश्चिम बिहार ईस्ट था। तो फिर लड़के लड़का कह रहा है कि हम कल 12 बजे मैं लेके आ जाऊँगा, हमें को छोड़ दो भी बता दूँगा। मैंने बोला जी सर इसको छोड़ना नहीं है। हमने बोला कि तू बता दे भाई, हाथ तेरे आगे हाथ जोड़े, लड़की जिंदा है मरगी, क्योंकि हमें तो शक हो चुका था पूरा, 100% कन्फर्म था। तो पुलिस वाले कह रहे अरे ऐसे थोड़ी मार देगा। मैं जी आपकी बात भी ठीक है, ऐसे नहीं मार देगा, पर हमें पूरा शक है, आप कार्रवाई तो बिठाओ। तो 2 बजे के बाद कार्रवाई बैठी है, SHO दोनों SHO आ रखे थे, उससे छोटे वाला SHO भी आ रखा था, इंस्पेक्टर वगैरह थे सारे। उन्होंने फिर कंप्लेंट दर्ज करी, फिर लिखा, उन्होंने ये प्रॉपर नहीं बताया कि लड़के को कुल्हाड़ी वो फावड़े से खोद के दफना दिया गया है। मैंने वो पढ़ा था तब मैंने बताया था कि हाँ, फिर मैंने अपनी मम्मी को घर पे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। सुबह तक पुलिस वाले नहीं बताए मेरे को कि लड़की मर चुकी है, वो बताया ऐसे जिंदा है, चल लेने चल रहे हैं। फिर वहाँ पे जब गड्ढे से निकाला, उस जब खड़ी थी गाड़ी गड्ढे के पास, तब पता चला था कि लड़की गड्ढे में वो है दफना कर रखा है। तो आपको ये कब पता लगा कि आपकी बहन अब नहीं रही है, उनको मार दिया गया? पूरा कंफर्म तो जी मेरे को 23 तारीख को पता चल गया था, 23 को पोस्टमार्टम पे गए थे, ठीक है। पोस्टमार्टम पे जाने के बाद फिर अगले दिन पोस्टमार्टम हुई, एक्सरे वगैरह हुआ, तो पता चला कि लड़कों ने ना मिलके चेस्ट के नीचे की हड्डियां तोड़ रखी है, मार मार के पीठ पे डंडा मार रखा है और चेस्ट की हड्डियां तोड़ रखी है। चाकू वाकू किसी चीज़ का इस्तेमाल किया था? चाकू का भी कोई इस्तेमाल भी पता नहीं चला है, चाकू का फिलहाल कोई कट पड़ तो शरीर पे था नहीं, पर इस हिस्से पे थोड़ा निशान था, अब ये नहीं पता, वो फावड़े से डंडा मार रखा है, उसके चेहरे पे लात मारता ही नहीं पता। हाँ अब ये अगर इतना कराया, अगर मारा तो कमरे में बंद करके ही होगा, तो इसके अलावा और भी कुछ हुआ होगा, तो इसकी जानकारी अभी हमें मिली नहीं है। कितने लड़के थे उस वक्त? जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो वहाँ पे 3 लड़के बताए जा रहे हैं। तीन लड़के हैं, कोई ज़बरदस्ती है, कुछ और भी रेप वेप करने की कोशिश करी उन्हें? कंफर्म नहीं है, करा तो हो गई या मेरे क्या, जहाँ से आइडिया लगाया जा सकता है, अगर लड़के मार सकते हैं तो कहाँ पे? रोहतक के जंगल में, रोहतक के मदीना जंगल में,
बहुत बड़ा खेत है वहाँ पे, एक मतलब 4 फीट नीचे। तो जब आपको पता लगा कि उनको वहाँ पे दफना दिया गया है पहले मार के, तो फिर आप वहाँ पे गए, वहाँ पे आपने अपने आंखों के सामने देखा अपनी बहन को निकालते हुए? वो लड़का खुद लेके गया था हमारे को यहाँ से। हाँ, वो अरेस्ट कर रखा था उन्होंने। सबसे पहली बात मैं ये पूछना चाहूँगी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि लड़का अपने आप को हिंदू बता के रिलेशन में था, लेकिन बाद में पता लगा कि वह दूसरे कौम का था, मुस्लिम था वो। जी, तो कब से थे रिलेशन में? थे 1.5 साल से, मेरे को पता चला था 5-6 महीने बाद। और पूरा प्रॉपर पता चला कि मुसलमान है लड़का, जब मम्मी उसके घर पे गई थी, किस तारीख को, कि मेरी लड़की को कुछ हो गया, तेरे लड़के के साथ गई है, ठीक है, तो कंप्लेंट डाल दी। तो उसके घर वाले ना पर्चा दिखा रहे कि मेरा लड़का मैंने बेदखल कर रखा है। मैंने देखा, मैंने तो बोला इस पर सलीम नाम है, तो बोले सलीम ही नाम है इसका असली, संजू तो ऐसे इसको प्यार से बोलते, तो सारे लोग संजू जान से जानते थे। आप सबको लगता था कि वो लड़का हिंदू है इतने टाइम से, आपकी जो बहन थी उनको भी पता था कि वो हिंदू है, उनको भी नहीं पता था कि वो मुस्लिम? नहीं, क्योंकि कड़ा वड़ा पहनता था, धागे कलावा वलावा टीका वगैरह लगा के चलता था, मुमडने में तो ऐसा ही कुछ करते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कभी जिक्र करा इस चीज़ से कि वो कौन से रिलीजन से आते हैं? उन्होंने आपकी बहन ने कभी घर पर कुछ बताया कि लड़के के बारे में कहाँ है, क्या कुछ करता है? लड़के के बारे में ये पता चला कि कह रहे थे लड़का हरियाणा का है, जाट है, जाट ये बताया जा रहा था। और नाम उनका सलीम था, आइडेंटिटी छुपा के उन्होंने काम किया है। सर, क्या लगता है कि जो हरकत उन्होंने आपकी बहन के साथ करी है, वो उन्होंने और बहुत लड़कियों के साथ कर चुके होंगे, क्या पता? कर चुके होंगे जी, सीधी सी बात है। क्योंकि जिस तरीके से लड़की को फंसाया, 1.5 साल रिश्ते में रखा, प्रेगनेंट किया, घर पर शादी के बाद भी चल रही थी, आप लोग शादी के लिए रेडी थे ना? हाँ, और छोटी सी बात तो ये भी है ना, अगर वो उस दिन लड़का नहीं पकड़ा जाता, जिस दिन बिना नंबर प्लेट की बाइक से, तो लड़का तो फरार ही था, डेड बॉडी तो हमारी गल चुकी होती। और फिर काफ़ी महीने बाद या साल बाद पता चलता कि लड़की यहाँ पे दफनाई गई थी, तो वहाँ पे कुछ मिलता भी नहीं, तो किस्मत थी वो लड़का मिल गया तो पकड़ा गया। तो इसका मतलब कहीं करा होगा लड़का, अगर लड़के घर वालों ने बेदखल कर रखा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी बेदखल कर रखा है। कहीं ना कहीं जो आपकी बहन थी वो शादी करना चाहती थी, सोचती थी कि ठीक है लड़का ठीक है, लेकिन एकदम से कभी और कोशिश करी उन्होंने पहले मारपीट करने की 1-1.5 साल में, जब से वो रिश्ते में रिलेशन में थे तक नहीं करी? नहीं, मतलब कहीं ना कहीं जब बात शादी की आई, शादी करने की बात आई, तब उन्होंने मार दिया जी। वो करना नहीं चाहता था, उसके घर वाले कहते थे अबॉर्शन करवा ले, पैसे हम देने के लिए तैयार है। तो पुलिस वाले ने क्या बोला है, मतलब क्या आपको आश्वासन दिया, क्या कार्रवाई क्या होगी? 3 में से 2 को तो पकड़ लिया, लड़के को तो पकड़ लिया, घर वाले क्या उनके? घर वाले गायब हैं, यहाँ पे आए नहीं, भाग रखे यहाँ से। घर वाले भी लगता है आपको शामिल हैं? हाँ, पहले दिन गए थे तो लड़के वाले कह रहे थे कि मेरे को भी ये लग रहा है, 2% ये लग रहा है कि मार दिया होगा, 2% लगा कि संजू ऐसा करेगा क्यों। उसके घर वाले भी उसका नाम संजू ले रहे थे, ना कि सलीम। आप क्या चाहते हैं इसके बाद, और कितनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि लव जिहाद का मामला जो है वो देश में हर जगह से आ रहा है, लड़कियों को उससे फंसा के मुस्लिम लड़के अपना आइडेंटिटी छुपा के काम कर रहे हैं। अगर ये यूपी होता तो अभी तक एनकाउंटर हो चुका होता, इनका केस चलता रहता, योगी सरकार करवा देती, दिल्ली की सरकार सुनवाई करती नहीं है। मासूम लड़की, आपकी बहन मासूम ही थी, इनको फंसाया गया है, तो गिरफ्तार करके रखने से पहले कि इसकी कोई कड़ी सजा मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए जी, हम तो वही मांग कर रहे हैं जी, अगर मेरी बहन गई है तो उसको भी जाना चाहिए, या तो फांसी की सजा दे दी जाए उसको। ये हो रहा है, तीसरा बंदा जो है उसका चेहरा नहीं ला रहे सामने, तीसरा बंदा है कौन उसको, जिन्होंने काम किया उनकी फोटोज क्यों नहीं आ रही है सामने? किन्ने काम, जिस लड़के ने काम किया है सारा, सलीम हो के संजू बता के एक लड़की की पूरी जिंदगी उन्होंने मतलब खा गया एक तरीके से, तो उनकी फोटोज क्यों नहीं निकाल रहे पुलिस वाले सामने? वो तो पकड़ा गया ना, सामने है, वो तो गिरफ्तार है। पता, फोटो रिलीज कर दिए पुलिस वाले? उन्होंने नहीं करी है, जो हमने फोटो दी है वही फोटो रिलीज हो रही है, जो हमने वीडियो बना के मीडिया वाले को दी थी थाने में वही वाली फोटो वही रिलीज हुई है, अभी उन लड़कों की कोई फोटो नहीं। तीसरा बंदा है, वो बंदा को पकड़ रहे हैं, उनका नाम बता नहीं रहे हैं, वो बंदा है कौन, ना उसका फोटो डाल रहे हैं, ना कौन है, वो फोटो डाले नाम बताए, जभी तो पब्लिक को पता लगे कि है कहाँ, पब्लिक को पता लगेगी तो कहीं ना कहीं से तो खबर आएगी। तो केस अभी कौन से थाने में? नागलो थाने में। और एक चीज़ और, एक मीडिया है, नाम नहीं लूँगा उस मीडिया वालों का, उन्होंने ये कह रहे हैं कि लड़की के बारे में पता चला था लड़की को संजू ने क्यों मारा, संजू सलीम ने इसलिए मारा क्योंकि लड़की किसी सिर्फ बागड़ी से बात करती थी। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वो लड़की किसी सिर्फ बागड़ी से बात करती तो वो लड़के के साथ जाती क्यों 8 महीने की, क्यों 7 महीने की, क्यों प्रेगनेंट, शादी के लिए फोर्स क्यों करती, क्यों करती? तो ये मीडिया वालों को बोलोगे ऐसे ना करें, झूठी अफवाह ना फैलाएं। मीडिया का, मीडिया जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4th स्तंभ माना जाता है, मीडिया का काम होता है कि वो सच को सामने लेके आए
और जिस आरोपी ने काम किया है, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक माँ बाप से उनकी बेटी को छीन लिया है, उसको सजा दिलवाए। लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे फेक न्यूज़ चलवा रहे हैं कि तीसरे से बात करती थी, चौथे से बात करती थी, उनके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ का, तो ये चीज़ बिल्कुल भी ना कर रहे। इसके साथ ही मैं क्या बोलना चाहेंगे सर, मैं क्या बात करूँगा जी, उसको ना फांसी दे दो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ठीक है जी। लेकिन इनने आज इसके साथ करा, कल 2 साल के बाद आने के बाद फिर दूसरे के साथ भी कर सकता है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस देखिए ना, आप हाथ में कलावा बांध रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, चौक कड़ा पहन रहे हैं, और नाम है सलीम, संजू नाम है, और लड़का 21 साल का है। अब जब अभी इतना कर सकता है, कल को छूट के आ जाए, कल को और क्या क्या नहीं कर सकता। अभी भी उस बंदे के अंदर खौफ नहीं है जरा सा भी, कि डर भी सहम भी नहीं है उसके अंदर कि हमने यह काम किया है, सबके सामने ऐसे अकड़ में खड़ा है, अभी भी जरा सा भी डर नहीं है उसके अंदर। देखिए, बाहर हमने इनके भाई से बात करा, उन्होंने पूरी कहानी बताई है, जो भी कुछ हुआ इनके साथ, जिस तरीके से इस लड़के ने शातिर तरीके से अपना धर्म छुपाया, शातिर तरीके से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, एक माँ बाप के पास से उनकी बच्ची को छीन लिया। फिलहाल मेरे साथ उनकी माँ मौजूद है, माता जी मौजूद है, आप बताएंगे कब से चल रहा था ये सब? ये तो चल रहे थे, बात अपने कर रहे थे, लेकिन ये बोलते थे हम भूत कह के बात करते थे। ये भूत का क्या सीन है, मैं भूत के बारे में सुना कर रखे हैं मोबाइल में इंस्टाग्राम पर, भूत भी करके। तो भूत करके कौन बात करते थे? लड़की करते थे, लड़की बोलती थी, हाँ, दोस्त कह करके बात करते थे, वो बात अपना वो करते थे। मैं बोलते थे जी किससे बात करते थे, भूत से बात कर रहे हैं, तो कहाँ के है, तो हरियाणा के है, कभी हरियाणा के कभी इधर के बताते थे, दोस्त है मम्मी दोस्त है, तो हम अपनी बोल लेते थे, हम अपनी काम पर चले जाते थे, बात अभी अपना करते करते अपना करते ही रह गया, हमको नहीं पता चलने दिया। तो मतलब जो अपनी बेटी थी वो बोलती थी कि मैं भूत से बात, हाँ भूत से बात, लड़की बोले जो हम भूत से बात कर रहे, कभी ये नहीं बोला जो मुसलमान है, मुसलमान से हम करते तो हम करने कहाँ देते बात। उनको भी नहीं पता था ना कि लड़का मुस्लिम, क्योंकि नहीं पता था, कैसे बताते उनको खुद ही, हाँ वो बोलता था जो जाट है मम्मी जाट है। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो अपने पहचान है वो भी तो जाट की तरह शो किया, कड़ा पहन के, टीका वीका लगा, हाँ सब कुछ लगा रखे है। आपने देखा उनको? लड़का के तो हम अभी तक नहीं देखे, लड़की के ले गया तब भी नहीं देखे है कि लड़का दिखता कैसा, हाँ कैसा है लड़का, सब दिन बोलते थे जो एक बार लड़का को देखा कैसा है, तो बोला मम्मी तेरे डर से वो दिखाई नहीं देगा। क्यों? बोला वो तेरे को दिखाई नहीं देगा, दिखाने ही नहीं दिया मेरे को, कभी दिखाया नहीं, लेकिन वो बात कर रहे थे। तो पता कब चला आपको कि वो इतने साल से रिश्ते में है, रिलेशन में है? वो बात कर रहे थे तो हमको इतनी नहीं पता था जो कब से ये बात कर रहा, लेकिन कर रहा था ये बात। ऐसे कभी घर से बाहर जाना भी नहीं होता था उनका, मैंने सुना ना, कभी काल के जाते थे तो बोलते थे अपनी सहेली के घर जा रहे हैं, बर्थडे है आज, ये है वो है, उसके घर जाते थे, तो ये नहीं बोलते थे जब हम लड़का के साथ जाते। आपको पता कब चला कि लड़के का नाम संजू नहीं सलीम है, मतलब हिंदू नहीं मुसलमान है? जिस दिन लड़की गए हैं उस दिन पता चले, क्योंकि जब आप घर पे गए, हाँ उसके घर पर गए, थाना गए, माँ बाप ने क्या बोला? थाना गए ना, थाना में कंप्लेन जो नहीं लिए, तो ये लड़की से बोला जो उसके घर है उधर, लड़का के छोटे छोटे बच्चे के पूछे तो बोला इधर घर है चलो दिखा लेते हैं, तो फिर मेरे बेटी दामाद घर पर रिक्शे पर बैठा करके ले गई उधरे, तो इसके घर में उसके माँ भाभी हैं, तो हम गए, जैसे वो लड़का कहाँ है संजू नाम से भूत कह करके बात कर रहा था, तो वो पेपर दिखाया जो मेरे लड़का के सलीम नाम है, तब हम सब चौंक गया जो ये तो मुसलमान होकर के मेरे लड़की को फंसा लिया हिंदू कह करके। देखिए लड़कियां क्या होती हैं, कई बार होता है कि भावनाओं में बह जाती हैं, उनको नहीं समझ आता ये चीज़, लेकिन होली वोली इंस्टाग्राम पर खेल रखे हैं, कभी मेरे सामने तो होली आके खेलते हैं ना, देखते हैं ना, कभी सामने तो नहीं हुए। कहीं ना कहीं लड़का चाहता था कि वो आप लोगों की नज़रों से बच कर रहे, हाँ नज़रों से वो हट के रहे, और लड़की को ही अपने पास रखना चाहता था कुछ ऐसा। लड़की को रखता तो मार कहाँ डालते हैं, मार दिया जो दो जीव के कर, उन्होंने इसलिए तो मारा कि वो शादी के लिए प्रेशर कर रही थी। तो लड़की करता होंगे अंदर से, जब वो परमानेंट हो गया तो वो अंदर से करता होंगे। जिस हिसाब से उनको मार के दफना दिया गया, और आप लोग को बाद में पता लगा सब कुछ कि आपकी बेटी अब नहीं रही है इस दुनिया में, जो लड़की घर से निकले ना तो हम
फोन मारे, वो फोन नहीं उठा रहा था लड़की, लड़की फोन पूरे दिन नहीं उठाया, उठाइबे नहीं किया लड़की, पूरा दिन बीत गया मेरे को। वो लड़का उठाते थे जो तुम्हारे सबसे जिए नहीं करते बात करने के, कहता है हमारा परिवार से बात करने को जे ही नहीं करते हैं। फिर जा कर के हम गए थाने कंप्लेन करने, तो नहीं लिए कंप्लेन, वहीं से आया तब उसके घर पर गया, तब पूरा ही पता चला। माँ बाप है सारे फरार है, फरार है घर पर, पता नहीं गए थे मेरे जेठानी उठानी सब, तो ताला लगा है। अब इसके क्या करोगे आप लोग, इंसाफ दिलाओ, जो वह लड़का के फांसी पर चढ़ा दो, और कुछ नहीं चाहिए हमको, जान के बदले जान। हाँ, जान के बदला जान दिला दीजिए, जितने मीडिया वाले आते हो हमको इतनी मेहरबानी करके कर दीजिए। दिल्ली वाले तो मेरे को कुछ नहीं करेंगे, तो लग रहा है आप जोगी को बोला नहीं पड़ेंगे, उसी से मदद मांगेंगे। लव जिहाद का जो मामला है, मुसलमान लड़की हिंदू में लड़की को फंसाती है प्यार के झांसा में, और उसके बाद कुछ चीज़ें होती भी हैं, लड़कियों को भी लगता है कि हाँ भाई लड़का सही है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो सलीम है। जैसे कि मेरे को सुनने में अभी तक आया है, उनको संजू नाम ही पता था। हाँ, संजू संजू कह रहा था ना आंटी, बार बार संजू कहते थे, अभूत कहते थे, बस यही दो ही नाम, कभी सलीम नाम को नहीं बताया। सलीम नाम बताते तो हरियाणा का बताते थे ना, जो हरियाणा का है, मुसलमान भी नहीं हो ये बताते थे लड़की के, झूठ कह करके लड़की के जान लिया, तो कमा खाने का आया। अब बच्चे से बच्चे हो गया, अब कितना बच्चा, दो बच्चे हैं, उसके रो रो करके ये पागल बने। अब इनके पिता का क्या हाल है, मतलब ठीक हैं फिलहाल? पिता तो बिस्तरा रखे थे, अब ये पकड़ के अभी गए हैं बाहर, कोई बुलाए हैं ना उसके पास। हम सब तो सब परानी ये टेंशन में पड़ गए हैं, जवान लड़की खोना है कोई मामूली से नहीं है। अपने माँ अपने बच्चे को सबसे बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने कभी आपसे शेयर किया कुछ लड़के के बारे में? नहीं, हमें हमसे ऐसे कुछ शेयर नहीं करती थी, बस इतना बताती कि हरियाणा का भूत रहने वाला है, दोस्त है मेरा, बस इतना ही जानते मुझसे, और ज़्यादा कुछ नहीं जानते। फिलहाल आप यही चाहती हैं उनको फांसी हो, क्योंकि जिस तरीके से बेरहमी से मारा है, बताया जाता है कि डंडे वंडे का भी इस्तेमाल किया है। उसकी पांसली भी तोड़ रखी थी, पांसली भी तोड़ रखी थी, बच्चा था लड़का था पेट में, लड़के की। तो प्रेग्नेंट में बच्चे के साथ ही उनको दफना दिया गया? हाँ, दफना दिया है। लड़का गए थे ना, लड़के से सारी बात पूछो, लड़का ही खोज आला है इसके। वो लड़का बोला जो जिंदा है जिंदा है, 3:30 बजे में जाके बोला जो हम काट डाले, कभी दोस्त के पास में है कभी कुछ है, तो भैया तो सबूर बान है, जो लड़की को जिंदा है तो मेरे सुबह ला देगा। सर, उसके बाद जब पता लगा कि लड़की को वहाँ पे लड़के ने दफना दिया है मारकर, जब बात पता लगी निकल के सामने आई, तो उसके बाद आपको पुलिस वालों ने क्या कुछ आश्वासन दिया, उन्होंने आपको देखने दिया लड़की को, अपनी बच्ची को? आप नहीं, हॉस्पिटल से यहाँ पुलिस वाले आए, उनका टाइमिंग था हॉस्पिटल से कि सुबह 8 बजे जाऊँगा, यहाँ से 10 बजे तक वापस ले आऊँगा, डेड बॉडी घर पर ले आ दूँगा, बोला था उन्होंने। हाँ, ऐसा भाई को बोला था। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, डेड बॉडी 6 बजे यहाँ ले आए, 6 बजे तक आ गए। ठीक, उसके बाद यहाँ आए, रास्ते में जो भी उनका टाइम लगा हो यहाँ लाए, बस गेट खोला, दूर से ही देखा, मतलब हमारे कोई रिश्तेदार नहीं आ पाए थे, तो दूर से ही मम्मी ने देखा, गेट खोला, तुरंत बंद कर दिया, तुरंत ले जाके संस्कार कर दिया सीधा ही। वहाँ पे भी 1 मिनट का टाइम नहीं दिया, बस जितना टाइम लगा जलाने में, जितना टाइम लगा, और क्या किए, पंखा लगा के जल्दी जला दिए, एडजस्ट फैन लगाए, मतलब जला दिए कि जल्दी जल जाए, और जैसे ही मतलब पूरा जल नहीं पाया था, बस शुरुआत ही हुआ था कि बोले कि सारे लोग जाओ, जल गया, हो गया काम, 1 मिनट का वहाँ भी नहीं रुकने दिए और फटाफट कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कहीं ना कहीं देखने को भी नहीं मिला, मतलब रिश्तेदारों को चेहरा तक भी नहीं देखने दिया, बताइए। तो बस यही मैं कहूँगा कि इतना प्रशासन ने इतना जल्दबाजी क्यों किया, और किस कारण किया इतना जल्दबाजी, हमें इस बात का जवाब चाहिए, और ना ही तो कोई वो हो रहा है। अगर यही हम उत्तर प्रदेश में होता तो योगी सरकार फटाफट इसका इनकाउंटर कर चुकी होती, इसका इनकाउंटर का ऑर्डर मिल जाता, और यहाँ प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस यही कहूँगा, हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे घर का मेम्बर एक ख़त्म हुआ है, उसी तरह उनको भी फांसी होना चाहिए। और यही अगर उत्तर प्रदेश होता तो उनका घर पर बुलडोजर भी चल जाता और इनकाउंटर भी हो जाता। तो मैं यही कहूँगा, अगर यहाँ की
सरकार हमें कोई नहीं वो मिल रहा है, नहीं इंसाफ मिल रहा है, तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील करूंगा, गुहार लगाऊँ मदद की कि हमें इंसाफ चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा मैं। तो फिलहाल जिस तरीके से अभी मुझे उनके भाई ने बताया, उनके घर वालों ने बताया कि रिलेशन में थे दोनों लड़का लड़की, जाहिर सी बात है आजकल रिलेशन में लड़का लड़की रहते हैं, रिलेशन में थे, लड़की जो थी वो घर में सिलाई का काम करती थी, कहीं ना कहीं कभी कभी मिलने चले जाते थे, लड़का पीछे ही रहता था, घर के पीछे रहता है, जस्ट थोड़े से ही पीछे, पड़ोसी था लड़का, और कहीं ना कहीं उन्हें 1.5 साल में ये भनक भी नहीं हुई कि जो लड़का है वो हिंदू नहीं मुसलमान है, लड़के के धर्म के बारे में भी नहीं पता लगा। बात यहाँ पे हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है अगर आप किसी के रिश्ते में है तो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर लड़की की जिंदगी के साथ खेलना। लड़की जब प्रेग्नेंट हुई, लड़की को कुल मिला के 7 महीने हो चुके थे प्रेगनेंसी के, तब शायद घर पे पता लगा, और उसके बाद घर वाले शादी के लिए राजी थे, पर लड़का शादी के लिए राजी बिल्कुल नहीं था। उसके बाद लड़के ने चाल चली, लड़की को अपने साथ लेके गया, और वहीं पर उसने रोहतक जगह में लड़की को मार कर दफना दिया। फिलहाल सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल कर आ रही है कि जिस जिस थाने में यहाँ पर केस हुआ है, पुलिस वाले आखिर इस चीज़ के ऊपर कड़ी कार्रवाई कब करेंगे, लड़के को सज़ा जो मिलनी है, फांसी की सज़ा यहाँ पे इनके परिवार वाले डिमांड कर रहे हैं, उनको फांसी की सज़ा कब मिलेगी, क्योंकि मासूम लड़की तो उन्होंने खो दी, लड़की ने प्यार में आकर भावनाओं में बहकर अपना तो सब कुछ लुटा दिया, घर वालों के सामने से उनकी बच्ची चली गई। सवाल ये उठ रहा है कि अब सरकार इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई कब करेगी और आरोपी को फांसी की सज़ा कब सुनाई जाएगी। इस पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रा हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मिश्रे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।